दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीसीसीआई ने बदल दिया रोहित का ओपनिंग पार्टनर। अब राहुल की जगह पर यह खिलाड़ी करेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। वीडियो में हम आपको रोहित शर्मा के नए ओपनिंग पार्टनर के बारे में बताने वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें ओपन करता हुआ दिखाई देगा। राहुल की जगह पर तो बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, उसके मद्देनजर बीसीसीआई लगातार टीम में कई एक्सपेरिमेंट कर रही है, क्योंकि अगले महीने से टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है और वहां पर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीसीसीआई ने कड़ा रुख अपनाया है और टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही अगले महीने से T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीसीसीआई ने ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम को देखें तो आपको यही लगेगी रोहित शर्मा और केएल राहुल ही ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल केएल राहुल और विराट कोहली के हालिया फॉर्म को देखते हुए बीसीसीआई ने टीम में एक महाप्रयोग का फैसला कर लिया है। एशिया कप में हमने देखा था कि केएल राहुल और विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करी थी, जिसमें कोहली ने शानदार शतक जड़ दिया था, जिसके बाद क्रिकेट के कई दिग्गज मांग कर रहे थे कि विराट कोहली से ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग कराई जाए। अब ऐसे में खबर निकलकर सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली ही ओपनिंग बल्लेबाजी करने वाले हैं, वहीं केएल राहुल को नंबर 3 पर खेलने का मौका मिलेगा, जो कि बीसीसीआई का बिल्कुल ही नया प्लान बताया जा रहा है।